मनोज जरांगे का सरकार को अल्टीमेटम, कहा 24 अक्टूबर तक आरक्षण की घोषणा नहीं हुई तो करेंगे जोरदार आंदोलन। पत्रकार की मौत पर इजराइल ने मांगी माफी, कल गोलाबारी में गई थी जान। हमास के कमांडर अली कादी को इजराइल ने किया ढेर, IDF ने कहा आतंकियों का होगा यही हाल। यूपी सरकार फिर से चलाएगी स्पीकर हटाओ अभियान, CM योगी ने अफसरों को दिए निर्देश। नोएडा में 11 मामलों में बिना अनुमति बांट दिया 82 करोड़ का मुआवजा, प्राधिकरण ने दर्ज कराया केस। कोटा में BJP महिला मोर्चा का कार्यक्रम, गहलोत सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, परिवर्तन का लिया संकेत। गुरुग्राम में CM फ्लाइंग और प्रदूषण विभाग की टीम का बड़ा एक्शन, पटाखा गोदाम पर रेड, 3 टन पटाखे बरामद। हरियाणा में खट्टर सरकार की खटारा नीतियों से बढ़ी गरीबों की संख्या, आम आदमी पार्टी सांसद सुशील गुप्ता का बड़ा दावा। घरेलू रिफाइनरी की बढ़ी टेंशन, पाम तेल का आयात 11 महीने में 29% बढ़कर 90.80 लाख टन हुआ। भूत प्रेत दूर करने के नाम पर युवती से रेप, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी बाबा को किया गिरफ्तार।